शमस तबरेज कहिंदा मैं रब दियां हर जन्म च मिन्नतां कीतियां ने, हाड़े कढ़े ने, तरले ले ने, अरदासां कीतियां भी मेरे घर दा प्रौणा बण, पर कहिंदे नहीं मन्निया। इस जन्म च जिहड़ा शमस तबरेज साहब दा जन्म, इहदे च उह मन्निया आण के वी हुण मैं आउण नूं तैयार हाँ, पर मेरी एक शर्त आ। गल फिर उत्थे आ गई ना, नुकता परमात्मा कहिंदे संत ब्रह्म ज्ञानी रमज दिंदे, राज नहीं किसे नूं दिंदे। कहिंदे मैं आऊंगा पर मेरी एक शर्त आ, मेरा एक सुभाव आ। परमात्मा कहिंदा मेरा एक बिरद आ, मैं अपने सुभाव तों मजबूर हाँ। वो की तां शमस साहब कहिंदे भी दसो महाराज की, कहिंदे जिथे मैं आऊंगा उत्थे होर नहीं कोई होना चाहिए, सिर्फ मैं ही बैठूंगा, होर नहीं कोई बैठूगा। देख ला चंगी तरह। तो जो शमस तबरेज साहब अपने दिल च झाती मारते तो कहिंदे मेरे अंदर क्रोध बैठा होया सी, तप कर करके तो कहिंदे फिर मैं क्रोध नूं फड़ लिया बाह, क्रोध खंड प्रचंड, फिर की होया उन्हूं कढ़िया धूके बाहर। आ जा भी मेरे हिरदे रूपी सिंघासण ते रब बह सकदा, तेरी की मजाल आ भाई तू बैठ, तू तो एक बदल आ, तू तो एक धोखा वा, तू तो धूआं वा, पांच मिनट पहला तू हुंदा नहीं आ, किसी गल तो तू पैदा हो जाना, पांच मिनटां बाद फिर नहीं तू हुंदा, तू तो बड़ा वड्डा धोखा दिना दुनिया नूं। तां इह जिन्ने वकार ने कि आ बदल आ, धोखा है, कि किसी वस्तु जां व्यक्ति जां किसी भाव करके पैदा हो जाते, पांच मिनटां बाद फिर खत्म हो जाते, फिर पैदा हो जाते, फिर तां कहिंदे अजे मैं क्रोध नूं कढ के हटिया सी, लोभ बह गया आण के। हुण तुसी दसो कहिंदे मैं कल्ला ते ओह पंज, मेरी सारी उम्र इस झगड़े च ही लंघदी जा रही है, मैं कढदा ते ओह आण के बहिंदे आ, नहीं ते ऐरकी परमेशर मन्निया कि मैं तेरे हिरदे च आऊंगा, मैं तेरे घर च प्रौणा बन के बैठूंगा, तू मेरी सेवा करी, चाह पानी पियाई, जो भी तू सेवा करनी कर ली, आऊंगा। कहिंदे ऐरकी मन्निया सी, पर जापदा वा भी इस झगड़े च, जिवें कबीर साहब कहिंदे ना झगड़त जन्म गवायो, कहिंदे इस झगड़े च, जां महाराज कहिंदे ना झगड़ा एक नबेरो राम, पहला आ ते मेरे गलों लाओ, आ ते मेरे ते कृपा कर। तो उन्होंने फिर उहदी व्याख्या की उर्दू दे विच, ते बड़ा सुंदर उन्होंने एक कविता बनाई। एक दिन हरी से मैंने पूछा, कभी मेहमान बन के मेरे घर में आ। किसे संत ब्रह्म ज्ञानी ने आख्या, महाराज जी इदा ना करो, कि साडे भी चरण पाओ, इन्ने जन्म गवा दिते ने, इदा तो ना करो तुसी। तां अग्यों वो जिहड़ा हरी सी परमेश्वर सी, वह कहण लगा, संत जी, ब्रह्म ज्ञानी जी, महापुरश जी, अच्छा तू मेरी मेहमान नवाजी करना चाहना, मैनू घर च सदना चाहना तू। तो फिर वो अगे लिखते उर्दू दे विच भी, मेरा नाम है वादुल शरीक, शराकत की मुझ में समाई नहीं, तेरी दावत अभी मुझे भाई नहीं। मेरा नाम है वादुल शरीक, मेरा शरीक नहीं कोई हो सकता जिथे मैं जाना, जे उत्थे तू होगी तो तू ही होगी, उत्थे मैं दा कोई मतलब नहीं होगा। वह संत नूं कहिंदे भुलेखा पै गया, विद्वानां दी कला हुंदी अपनी गल्लां बनाउण दी, संकल्प विकल्प पैदा करदे, बड़ी उच्ची सुरत हुंदी इहनां दी। वह संत दा राता भी, महाराज नूं पता नहीं मेरे बारे। वह संत कहिंदा, महाराज जी मैं तां बहुत तप करदा वां। अच्छा, महाराज कहिंदे अच्छा, खुदा परमेश्वर वाहिगुरू कहिंदा ठीक आ भाई, करी जा, मैं की करां। महाराज जी मैं तां बहुत मर्यादा रखना। अच्छा, कहिंदे रखी जा। महाराज जी मैं तां बहुत सच सुच तप जत सत। तां कहण लगे भी सोहणिया, अग्गों परमेश्वर बोलिया, वो मेरे कहण लगे सोहणिया, मैं तां आख्या उत्थे कोई दूजा नहीं होना चाहिए, पांच सत कित्थों रखे जी तू, भी मैं जती, मैं सती, मैं सच सोच आला, मेरे जिनी दुनिया च मर्यादा नहीं कोई रख सकता, मेरे जिन्ना कोई दुनिया नितनेमी नहीं हो सकता, ये कित्थे लुको के रखे। मैं तां आख्या उत्थे दूजा नहीं चाहिए, तू तो पांच सत सांभी बैठा,
तू कहना की चाहना? वो साध कहन लगा मैं कहना चाहना मेरे मालक मेरे वाहिगुरु परमेश्वर मेरे अर्गा मैं ही हाँ तू मेरे घर आ। तो अग्यों फिर महाराज नाराज हो गए कहते मेरा नाम वाहदुल शरीक मैं ते तेनू पुछया उते दूजा है कि नहीं ते तू आ पांच साता किड़ा खलारा मैं तो पुछे ही नहीं भी तू किड़ा क जती है मैं नहीं पुछया भी तू किड़ा क सती है मैं भी नहीं पुछया भी तू किन्ना क पाठ करदा मैं तो पुछया ही नहीं मैं ते सगों ये कहना वा कि तू हाथ जोड़ के अरदास कर की ना हो जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी सरणा जिंतु ना ही पीस विसरिया जो जो सरण परे साधु की सो पार ग्रामी दी। ते तू ये सोनिया केड़ा खलारा खलार के बह गया जेड़ा तेरे तो सांभिया ही नहीं जाना कई जन्मां दे विच तां शराफत की शरीकत की मुझ में समाई नहीं तेरी दावत अभी मुझे भाई नहीं इस करके मैं अजे तेनू तेरे घर च नहीं आऊंगा।